कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश के साथ में प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं बीती रात को नीमच जिले के रामपुरा में जब ऐसी खबर लगी कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा 5 लोगों को नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इस बात का पता जैसे ही नगर में चला तो आम जनता में घबराहट का माहौल बन गया। सुबह होते ही कुछ अफवाहों के दौर चालू हो गए, लेकिन जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने सिविल अस्पताल जाकर डॉक्टर साजिद अंसारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। 5 लोगों के सैंपल लिए गए थे यहाँ पर, जो मतलब एक सर्वे आधारित जो लक्षण आधारित मिले थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी पुरानी बीमारी थी, है ना, जिनको कुछ दमे की शिकायत थी या कुछ डायबिटीज या शुगर था। और चूँकि क्या है कि ऐसा देखा जा रहा है कि ये लोग थोड़ा ज़्यादा बीमारी के लिए, तो इसीलिए एक सावधानी के रूप में सैंपल लिए गए थे। इसमें कुछ भी ऐसा संभावित या संदिग्ध वाली बात नहीं थी, तो वो संदिग्ध हैं या संभावित हैं। चूँकि वो थोड़ा हाई रिस्क हैं इसलिए उनके सैंपल लिए गए थे, और सैंपल लेने के बाद गाइडलाइन के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार उनको क्वारंटाइन में रखा गया था, जो कि सैंपल के रिजल्ट आने तक रखा गया है। जैसे ही उनके सैंपल के रिजल्ट आएंगे तुरंत उनको वहाँ से अपने अपने घरों पर भेज दिया जाएगा। एक अपील मैं करना चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि जो भी व्यक्ति कल 5 लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं, जो भी हैं, उनके लिए कोई भी अफवाहों का दौर गर्म ना कीजिए। उनको ऊपर जो मतलब उनके लिए जो बोला जा रहा है कि वो संदिग्ध हैं या संभावित हैं या उनके संदिग्ध लक्षण थे इस वजह से उनको रखा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक केवल और केवल एक सावधानी के रूप में, सावधानी बरतने के हिसाब से हमने उनको रखा है। नीमच जिले के रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ में शेख इशाक की रिपोर्ट।